हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। और अगर आप मटन के शौकीन हैं और देसी स्टाइल का मटन पसंद करते हैं तो बिहार का अहुना मटन एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। अहुना मटन बिहार के चंपारण शहर से आता है और इसीलिए इसको चंपारण मटन भी कहा जाता है। और ये फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक ओल्ड स्टाइल में बनता है। इसको बनाते हैं अंगारों पर और मिट्टी की हांडी में। हम सारे लोग शहर में रहते हैं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं अरेंज करना, तो उसके लिए हम बनाएंगे इसको। प्रोसेस वही रहेगा पूरा, सारी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम लोग वही यूज़ करेंगे जो चंपारण मटन में यूज़ होते हैं, पर हम बनाएंगे इसको गैस में। और चलिए तो फिर उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये 1 किलो मटन, धो के रख लिया है अच्छी तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हैं हमारे मसाले, खड़े मसाले। खड़े गर्म मसालों में हैं बड़ी इलायची 3, आधा चम्मच ज़ीरा, और यहाँ पर हैं 5 से 6 छोटी इलायची, 5-6 हमारी लौंगे हैं, और ये 4-5 पत्ते हैं, 3 हरी मिर्च, और ये 4 से 5 लाल मिर्च हैं खड़े मिर्च, और ये 10-12 काली मिर्च हैं। और ये है अदरक लहसुन थोड़ा मोटा कुचला हुआ 1 कटोरी। और ये हैं हमारे पाउडर्ड मसाले, जिसमें कि मैंने ली है चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये नमक टेस्ट के हिसाब से, ऐसे तो ये है 2 छोटे चम्मच। और यहाँ पे है गरम मसाला 1 चम्मच, और ये है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, और जो कि है 1.5 चम्मच, और यहाँ पे है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। और इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 750 ग्राम प्याज कटी हुई, और ये 3 बड़े लहसुन हैं, पोथियाँ हैं, 3 लहसुन की पोथियाँ हैं, जिनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। और अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस। तो ये मटन को मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक हांडी में, बड़ी हांडी में, जिसमें हम बनाएंगे। और इसको थोड़ा सा भारी तले वाली लीजिएगा, थोड़ी जो भारी हो। और ये इसमें हम डाल देंगे सारी कटी हुई प्याज और ये लहसुन, और इसमें सारे मसाले, जिसमें जाएगा ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, लाल मिर्च और काली मिर्च। ये सारे मसाले डाल दिए, और यहाँ पे मैं सारे पाउडर्ड मसाले डाल दूँगी। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आती है बारी इसको मिलाने की, मिक्स करने की। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें तेल हम लेंगे सरसों का तेल, जिसको बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। इतना गरम करेंगे कि उसमें धुआं निकल आए। और तेल मैंने गरम कर लिया था, और इसको बहुत अच्छी तरह से गरम करना है, ये इसकी स्पेशलिटी है। सरसों के तेल से जब धुआं निकलने लगे, तो ये 3 बड़े चम्मच तेल है, और इसमें धुआं निकलने लगा था, मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया, थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे, और इसको अब हम चढ़ा देंगे गैस पे। पकना शुरू हो गया है ये देखिए, और इसमें मसाले भी मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसकी फ्लेम को कर देंगे धीमा। एक बार अच्छी तरह से इसको मिला देंगे मटन को, और इसको धीमा करके इसमें डाल देंगे करीब 250 ml पानी, यानी कि 1 बड़ा कप पानी डाल दीजिए आप। अब हमें अपने भगोने को सील करना होगा, क्योंकि चंपारण मटन को वो लोग भी हांडी में लगा के फिर आटा लगा के सील कर देते हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं चंपारण स्टाइल मटन, तो हम भी थोड़ा सा फील लाने के लिए उसको वैसे ही सील कर देंगे। और उससे फ़ायदा भी ये होगा कि ये मटन बहुत अच्छी तरह गल जाएगा, कोई भी भाप उसकी बाहर नहीं जाएगी, और गलने में इसको आसानी हो जाएगी। तो एक आटा लेके थोड़ा टाइट लेके उसका लंबा सा रोल बना लेंगे, और इतना बड़ा रोल बनाएंगे कि वो आपके जो भगोना है उसके पूरे एजेस को, यानी कि ऊपर के ऊपरी मोहरे को, उसको पूरे को कवर कर लेगा। तो इस तरह से हाथ में मैं लंबा कर लेती हूँ इसको, और अब हम इसको भगोने के ऊपर साइड में इसको ऐसे चिपका देते हैं। थोड़ा सा आप दबाएंगे तो ये चिपक जाएगा, और ये देखिए इस तरह से आप चिपका दीजिए चारों तरफ, इसके पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन को हम ऐसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, और अब इसको धीमी आँच पर 1 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है, और मैं इसके ढक्कन को खोलूंगी, क्योंकि ढक्कन हमारा सील है। तो एक नाइफ़ की हेल्प से आप इसके साइड को थोड़ा सा पहले खोल लें, फिर खोलें, तभी आसानी से खुल जाएगा। तो इस आटे को जो कि अब लगा हुआ है, इसका कोई काम नहीं, इसको भी अब हम निकाल देंगे चम्मच की मदद से।
तो अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच घी और इसको अब हम थोड़ा भून लेंगे। तो थोड़ा सा मीडियम आंच पे भूनने पे हमको अपने कंसिस्टेंसी मिल जाएगी कि आपको कितना गाढ़ा और कैसा चाहिए, उसके हिसाब से कर लें। अब ये भून चुका है और मैं इसको ढाँक के धीमी आंच पे रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये हमारा गांव वाला अहुना चंपारण मटन बिल्कुल शहरी स्टाइल में तैयार है और अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी, चपाती, तंदूरी रोटी या फिर रुमाली रोटी, शीरमाल, जिसके साथ आप खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं। चावल के साथ भी बढ़िया मज़ेदार होता है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बताएँ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को भी समर किचन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।